हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। टुडे फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को वीडियो के थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी एमटीएस 2019 टायर 2 रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं हर एक चीज को। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन घंटी के निशान, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। लेकिन ये फ्रेंड्स एक नजर कमेंट्स बॉक्स पे डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों के डाउट्स आते हैं जब भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर इतना मेरा स्कोर है क्या, इतने में हो जाएगा, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या सेल्फ स्टडी पॉइंट, जी क्या बोलते हैं, सर मेरा लेटर में विषय छूट गया, कितना मार्क्स कटेगा। तो फ्रेंड्स हम इसके बारे में अभी डिस्कस कर लेंगे क्या हो सकता है। देन इसके बाद यहाँ पे पूजा रानी जी, थैंक यू, ओके। यहाँ पे विक्की राजपूत जी क्या बोलते हैं, 80 मार्क्स ओबीसी ऑल स्टेट पर यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है, एनी चांस, जी बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट है शोवन मोहंती क्या बोलते हैं, सर जो भी एमटीएस टायर 2 में पास कर जाएगा क्या उन सभी को डीबी के लिए बुलाया जाएगा या फिर एक कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है सर। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए अभी जो डाउट्स आ रहा है आप लोगों के इसके रिप्लाई मिल जाएंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर सब कुछ देखने वाले हैं कि आखिरकार क्या रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों का जो रिजल्ट है वो इतना टाइम ले रहा है। एंड इसके साथ साथ बहुत से कमेंट्स ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं सर कि पहले डीबी होगा या फिर हम लोगों का टायर 2 का रिजल्ट आ जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, कोई ऑथेंटिक न्यूज बताइए कब तक आ जाएगा। तो हम सभी चीज को देखने वाले हैं, बट थोड़े और कमेंट देख लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाता इसलिए। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, जैसे हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कमेंट करते हैं क्या प्रमोद कुमार सिंह, ये क्या कमेंट करते हैं, सर 83.98 है ओबीसी से, कितना चांस है, रिप्लाई प्लीज। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए कट ऑफ का वीडियो प्रोवाइड कराया है, आप लोगों के लिए उसकी लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। आपका यदि इतना है तो बिल्कुल आपका 100% डन है कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट्स करते हैं पता नहीं क्यों। यहाँ पे क्या है लोकेश कुमार जी, ये क्या बोलते हैं, सर मेरे 90.84 नंबर है, 18 से 27 में ओनली दिल्ली में जाएगा ना, जी। नेक्स्ट है अमित कुमार, ये क्या कमेंट करते हैं, मेरा 74.25 है, कैटेगरी है इनकी एससी, ऑल स्टेट प्रेफरेंस हो जाएगा क्या, जी बिल्कुल। नेक्स्ट है वीर जी देहाती, ये क्या कमेंट करते हैं, सर नेम और फादर नेम कैसे चेक होते हैं डीबी में ये बताओ, जी बिल्कुल। नेक्स्ट इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, जैसे हम नेक्स्ट कमेंट देखते हैं तो यहाँ पर योगेंद्र जी बोलते हैं क्या एनआर से 64.42 एसटी, तो दोस्तों आपका ठीक है, गुड है। नेक्स्ट है क्या है अमित सैनी, ये क्या पूछते हैं, कुछ चांस है, तो जी आपके कमेंट्स में पता नहीं चल रहा है कितना मार्क्स है कैसा क्या है। नेक्स्ट है हरी यादव, ये क्या बोलते हैं, कैटेगरी ओएच 77.53 ऑल स्टेट प्रेफरेंस फाइनल में हो पाएगा क्या सर, ओके। नेक्स्ट क्या है मानसी जी, ये तो बताओ कब तक आएगा रिजल्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्या रीजन है, क्या संभावित रीजन है, सर कुछ तो बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार आपका रिजल्ट क्यों इतना लेट हो रहा है और क्या संभावित रीजन हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में। और हाँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता इसके लिए सॉरी डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखे आपके ऑल रिप्लाई, जो जो आपके कमेंट्स आ रहे थे। अब हम बात करने वाले हैं रिजल्ट आउट कब, जी हाँ डियर फ्रेंड्स, कि आखिरकार आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्या रीजन है, और पहले डीबी या रिजल्ट, क्या क्या संभावित रीजन है वो देख लेते हैं।
हाँ तो डिफेंस आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में। सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं कि सर आखिरकार रीजन क्या है, कारण क्या है कि अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ। अब तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था हमारे टायर टू का, लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है, जनवरी भी एंडिंग में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से कमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यदि बात करें कारण की कि आखिर कारण क्या है आप लोगों के रिजल्ट का लेट होने का, तो दोस्तों ऐसा अभी ऑफिशियल रूप से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि इस रीजन बस आपका रिजल्ट रुका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि मैंने वहां पर मेल भी किए हैं लेकिन मेल का रिप्लाई कुछ नहीं आया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स बात करें आरटीआई की, तो मैंने वो भी लगाई है लेकिन अभी उसका भी रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया कि आखिरकार रीजन क्या है, आप लोग इतना वेट कर रहे हैं, कब तक आ जाएगा वगैरह वगैरह फ्रेंड्स। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक आपका जैसा कि लास्ट ईयर में हुआ था 2017-18 में, क्या कि पहले डीवी के लिए आप लोगों का कट ऑफ जारी करने के लिए, आई मीन कहने का मतलब पहले आप लोगों की डीवी की लिस्ट आउट हुई थी। तो फ्रेंड्स ऐसा ही इस बार होने वाला है कि आप लोग का शायद पहले वो डीवी की लिस्ट दे दें, देन इसके बाद आपका जो टायर टू का रिजल्ट है वो दें। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है संभावित। देन इसके बाद आखिरकार आपका जो डीवी होता है वो तो टायर टू का रिजल्ट आने के बाद ही होता है, लेकिन जो लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं सर पहले डीवी की लिस्ट आएगी या फिर हम लोगों का टायर टू का रिजल्ट आएगा, तो फ्रेंड्स ऐसा लास्ट ईयर में हुआ था, वो हो भी सकता है। आपकी डीवी की लिस्ट जारी कर दें, देन इसके बाद जो हालांकि यहाँ पे जितने कैंडिडेट हैं मैक्सिमम 99% बिल्कुल सिलेक्ट होने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लास्ट ईयर की अपेक्षा यदि आपका कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है, आपने ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे कि आपका सिलेक्शन रुक सकता है, तो यहाँ पर जिन जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है टायर टू का, मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होने वाले हैं, जॉब मिलने वाली है, तो आप इस चीज का टेंशन छोड़ दें, आपने सिर्फ कोई बिग मिस्टेक्स ना की हो। तो हाँ दोस्तों, ये तो हुई कि आखिरकार रीजन क्या है, क्या अभी ऐसा ऑथेंटिक कोई रीजन नहीं है हमको पता। हाँ लेकिन ये बात जरूर है कि आप लोग पूछ रहे थे सर पहले डीबी की लिस्ट आएगी क्या फिर आपका टायर टू का रिजल्ट, तो दोस्तों यहाँ पर 99% चांस आप लोगों के हैं कि आपकी डीबी की लिस्ट पहले आने की संभावना ऐसी लग रही है। हालांकि बात करें तो यह बाद में ही होता है, आपके टायर टू के बाद। अब बात करते हैं सर आखिरकार हम लोगों का जो टायर टू का रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डेट संभावित। हाँ तो डिफेंस आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि आखिरकार कब तक आ सकता है आपका रिजल्ट। तो फ्रेंड्स आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऐसा कोई नोटिस तो जारी नहीं हुआ कि भाई आपकी तारीख बिल्कुल फिक्स हो गई है, मतलब कि 1 या 1, 2, 3, 4 ऐसा कोई आपका नोटिस नहीं आया कि इस तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा, अब तक तो दोस्तों आप लोगों का डीवी भी कंप्लीट हो जाता है, यदि जनवरी के फर्स्ट वीक या आपका जनवरी में ही आ जाता दोस्तों 1-2 तारीख तक संभावना बहुत ज्यादा थी। जैसे कि आपने देखा होगा अलग अलग लोग ने अपने अपने विचार साझा किए हैं कि इस तारीख को आ जाएगा जनवरी में, उस तारीख को आ जाएगा जनवरी में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसका कारण ऑफिशियल रूप से कोई आपको ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली, ना ही ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन जारी की गई, नोटिस जारी किया गया कि इस तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स एक अंदाज के मुताबिक, क्योंकि अब आपका रिजल्ट आना डन है जनवरी के इसी वीक में, जी हाँ दोस्तों आपका जनवरी एंडिंग में चल रहा है, समझिए कि आपको 30 जनवरी के समथिंग, जी हाँ दोस्तों इसी वीक में आपको रिजल्ट दिखने वाला है। अब ये नहीं पता कि आपका रिजल्ट आपको 22 को दिखे, 23 को दिखे, 24 को दिखे, 25 को दिखे, लेकिन संभावना है कि आपको रिजल्ट दिखने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जनवरी के एंडिंग में, अब आज 21 तारीख हो गई है समझिए, आपको 30 तारीख के समथिंग समथिंग रिजल्ट बिल्कुल पूरी पूरी प्रायिकता है कि दिख जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका रिजल्ट फरवरी तक नहीं जा सकता, आपके पेपर को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा। अब आपके रिजल्ट की पूरी पूरी संभावना बन गई है कि आपको इस वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये तो ही कि सर हाँ इस डेट तक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स बस यही सब बोलना चाहूंगा, आप लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे थे इसलिए मैंने यह वीडियो आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।